दो आप सत्रह तक मांगे थे नौकरी करने के बाद मेरा मन ये हो गया था कि हाँ भी अब जो है खुद का मतलब कुछ करना है जॉब में शुरू बाद में तो देखिए स्ट्रगल करना पड़ता है कोई दो राय नहीं है पर बाद में थोड़ा सा लगने लग गया कि पैसा तो मैं अर्न हो रहा था लेकिन सर टाइमिंग का अगर आप देखोगे इतना टाइम अगर आप अपने काम में दोगे ना तो भी आप कहीं ना कहीं अच्छा अमाउंट एक एक्स अमाउंट अचीव ले लोगे आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें इसमें सर मेन चीज ये है कि आपको बाजार अपना बनाना पड़ेगा आपको बाजार में निकलना पड़ेगा सर अगर बाजार में निकले कुछ नहीं होगा आपको जहां भी मैंने दिए तो मेरे पास रिपीट कस्टमर इस चीज़ के आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि रिपीट कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहे और रिपीट कस्टमर ही एक ऐसी जीत मानता हूँ मैं कि आपका प्रोडक्ट वो हिट हो गया रियल बताऊं आपको मैंने एक बैठ से शुरू किया था ट्रायल के तौर पे सर ट्रायल किया मैंने पहले उसका देखा कि मैं बना सकता हूं नहीं बना सकता ये ऐसा तो नहीं है यूट्यूब वालों ने एक प्रमोशन के तौर पे किया हुआ है तो मैंने ढंग से देखा उसको गलती कहाँ कहाँ हुई थी पता लग गया था तो उसके बाद मैंने पूरा मन मना लिया कि हाँ मुझे अब जीएसटी बिल लेना है जीएसटी नंबर लेना है अपना और ये प्रोसेस धीरे धीरे करके ऐसे शुरू होना है तो तब से मेरा माइंड ब्लू सेट हो गया कि हाँ अब ये काम करना है मुझे सर प्रॉफिट का देखिए देखिए मैं ओपन ऐसे नहीं कहना चाहूँगी कि मैं भी लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ या दस लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ बट हाँ एक अच्छा अमाउंट यहाँ से वर्मी कम्पोज से आदमी लेके जाएगा अगर थोड़ा सा फोकस करके और अच्छी मार्केट करके अगर बाजार में आप सेल करते हो नमस्कार भाई इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम अमरोहा में यहाँ मैं आपको ऐसे किसान भाई से मिलाऊंगा जो मल्टीनेशनल कंपनी में नोएडा में जॉब करते थे छह से सात साल इन्होंने जॉब करी जॉब छोड़ के अच्छा खासा पैकेज था जॉब छोड़ के अपने गांव में पुश्ता जमीन पे यहाँ पर का काम स्टार्ट किया दोस्तों किस तरह से काम कर रहे हैं कहाँ सेल कर रहे हैं किस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो सर नमस्कार नमस्कार सर और सत्या सर आपको बहुत बहुत सर सर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए सर मैं दीप संदीप सिंह दीप ऑर्गेनिक से दीप ऑर्गेनिक्स ये विलेज शाहपुर जगह लगता है सर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अमरोहा और जो पोस्ट इसकी लगती है धनोरा तहसील धनोरा लगती है इसकी और सर इसको जो मेरे काम को टाइम हो गया लगभग करे हुए लगभग डेढ़ साल हो चुका है सर इसको और डेढ़ साल में मैंने जो चीज़ सीखी है इसमें वो बेसिकली सर यही है कि आगे फ्यूचर में जो डिमांड आने वाली है वो अच्छी खासी डिमांड एक मैं फ्यूचर में इसकी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको सर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा सर मैंने एम किया हुआ है दो में मैंने एम बी किया था 2010 में एम बी ए करने के बाद मैंने लगभग छः साल नौकरी करी है और 2000 हज़ार आप सत्रह तक मांगे चे नौकरी करने के बाद मैंने मन ये हो गया था कि यहाँ भी अब जो है खुद कुछ खुद का मतलब कुछ करना है आ, बेसिकली जो भी मैं कमा के दे रहा था मान लीजिए पचास लाख का मैंने कुछ धंधा नौकरी में कमा करके दिया तो उसमें से मेरे को इतना एक्स अमाउंट मिल गया वो ठीक है पर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था मुझे लगता था कि यार अपना कुछ करो ताकि बिज़नेस अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलना शुरू होगा लेकिन आगे जाके एक अच्छा लेवल अचीव हो जाएगा ऐसी बात नहीं है तो लगभग मुझे डेढ़ साल इस काम को करे हुए हो गया जो मैंने कंपनी खड़ी करी है ये और जी एस टी लेके पूरा फ्लिपकार्ट Amazon से मैंने स्टार्ट किया था ये और आज एक अच्छे लेवल पर काम चल रहा है सर वहाँ के छह साल हाँ जी। और यहाँ के डेढ़ हाँ फर्क है पैकेज में संतुष्टि में सेटिस्फेक्शन में और फ्यूचर को देखते हुए देखिए सर जॉब में शुरू बाद में तो देखिए स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें कोई दो राय नहीं है पर बाद में थोड़ा सा लगने लग गया कि पैसा तो मैं अर्न हो रहा था लेकिन सर टाइमिंग का अगर आप देखोगे इतना टाइम अगर आप अपने काम में दोगे ना तो सर मैं मानता हूँ कि आधा टाइम भी अगर आप जॉब में पूरा टाइम और यहाँ पे आधा टाइम भी देते हो ना तो भी आप कहीं कही ना कहीं अच्छा अमाउंट एक एक्स अमाउंट अच्छी ले लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें तो वर्मी का विचार क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ लैंड भी काफी पुछते हैं ना डेढ़ सौ के आसपास आपके यहाँ पे लैंड है हाँ जी हाँ जी तो आप कुछ और भी कर सकते थे बट ये वर्मी का के आपने सर देखिए ये फ्यूचर की डिमांड है अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में जो जमीन में हम लोग डाल रहे हैं बेसिकली मेरे पास मेरे पास भी जमीन है ऐसे मैं गन्ने की खेती कर रही हूँ और खेती भी चल रही है हुँ। तो उसमें आप लेके चलिएगा कि जमीन एनपीके और डाई डालने के बाद ना जमीन टाइट होती जा रही है मतलब उसको जो आप देखोगे तो उसमें जो मुलायम थोड़ा सा जो सॉफ्टनेस रहती है ना जमीन में वो नहीं रह गई है उससे उपज में भी जो आपकी ईल्ड आ रही है उसमें थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो गया है रोग आने शुरू हो गए ये एक ऐसी चीज है सिंगल चीज मानता हूं मैं जो लोग डालते हैं वैसे और

तो देखिए मेरा जो है मैं बताऊँ आपको कोरोना के बाद में लोगों को ये समझ में आया कि इम्यूनिटी नाम की चीज़ भी कोई होती है लोगों को पहले पता था ऐसा नहीं पता नहीं था बट थोड़ा सा उस तरफ लोगों ने ध्यान दिया है और ऑर्गेनिक की तरफ इसलिए क्योंकि लोगों को लगा कि यार ये जो कैंसर की जो दिक्कत है बाकी जो और भी बीमारी चल रही हैं इनके रीजन क्या क्या हैं तो लोगों ने उस तरह से सर्च करना शुरू करा है ऑनलाइन भी वैसे भी कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है तो तब जाके कहीं ना कहीं ऐसा मुझे खुद भी महसूस हुआ कि आगे आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट एक अकेला ऐसा चीज है जो आप घर में भी अगर आप कुछ भी सब्जी करना चाहें तो इसकी अगर आप करते हैं तो ये श्योरिटी है कि आपको कोई स्वाद में भी पूरा फर्क दिखाई देगा और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी मतलब कुल मिला सर जब वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करने का मन आता है हुँ. ख्याल आता है तो सबसे बड़ा जो मुद्दा आता था मार्केटिंग का हाँ जी क्योंकि बहुत ही चैलेंज आता है सर जितना काम लगता है आसान उतना है नहीं है मार्केटिंग का बिल्कुल, बिल्कुल तो शुरुआत में कैसे आपने मार्केट बनाई वो थोड़ा साझा कीजिए मार्केटिंग का तो देखिए कोई भी काम इतना आसान वैसे है नहीं जो कि आप अगर लेके चलिएगा कि आपने कोई ऑनलाइन देख लिया कि हाँ भी ये काम में ओपन कर लूँ कोई दिक्कत नहीं इसमें सर मेन चीज ये है कि आपको बाजार अपना बनाना पड़ेगा आपको बाजार में निकलना पड़ेगा सर अगर बाजार में निकले कुछ नहीं होगा आपको और दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा बाजार के अंदर कि अगर नया मार्केट है लोगों को पता नहीं है वर्मी कंपोस्ट की सर बताना पड़ेगा आपको आप डेमो लगवाइए आप सैंपल में दीजिए आप बताइए कि ऐसे ऐसे करके है शुरुआत में लोग थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा कोशिश करें कि हाँ भी ये मतलब अच्छी चीज़ है सर लगाइए एक बार किसी ने सर अब मैं मानता हूँ कि पचास बीघे जमीन है और बिघे दो तो बीघे में भी लगा लिया तो बाकी जमीन के लिए अपने आप वो लेने आएगा आपसे इतना मैं श्योर हूँ सर इस चीज़ के लिए और जहाँ भी मैंने दिए तो मेरे पास रिपीट कस्टमर इस चीज़ के आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि रिपीट कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहे और रिपीट कस्टमर ही एक ऐसी जीत मानता हूँ मैं कि आपका प्रोडक्ट वो हिट हो गया और काफ़ी जगह में ऐसा नहीं है बताइएगा कि इंडिया में और जगह भी हैं ऐसी जिसका यहाँ जहाँ पे इसका बहुत प्रोडक्शन चल रहा है और लोग यूज़ कर रहे हैं इसको तो ये थोड़ा सा एश्योर करना पड़ता है कस्टमर को कितने बैठ से शुरुआत करी आपने सर बैड रियल बताऊं आपको मैंने एक बैठ शुरू किया था ट्रायल के तौर पे बिल्कुल एक ट्रायल हाँ बढ़िया सर ट्रायल किया मैंने पहले उसका देखा कि मैं बना सकता हूँ नहीं बना सकता ये ऐसा तो नहीं है यूट्यूब वालों ने एक तो, प्रमोशन के तौर पे किया हुआ है तो मैंने ढंग से देखा उसको शेड uh, में मैंने वो तैयार किया था जो मैंने स्टार्ट किया था और मैंने देखा तीन महीने में मेरा एक अच्छा ठीक ठाक वो निकल के आ गया था खाद बन गया था पूरा गलती कहाँ कहाँ हुई थी पता लग गया था तो उसके बाद मैंने पूरा मन मना लिया कि हाँ मुझे अब जी बिल लेना है जी नंबर लेना है अपना और ये प्रोसेस धीरे धीरे करके ऐसे शुरू होना है तो तब से मेरा माइंड बिल्कुल सेट हो गया कि हाँ अब ये काम करना है मुझे मैं देखा सर आपका जो बेड का साइज है वो काफी बड़ा है हाँ जी हाँ जी क्या साइज क्या बेड का 60 फीट भी है देखिए सत्तर उधर की तरफ और साइड दो को के तो 70 80 फीट भी है उसका रीजन सर ये है देखिए 30 फीट आप बना लो कोई ऐसा नहीं है की तीस फीट ही बनाना है आपको अगर आपके पास स्पेस ठीक है और आपको कोई लेबर को कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप साठ सत्तर फीट सौ फीट तक ले जा सकते हो कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर ये चीज़ प्रॉफिट कितना ले लेते हैं सर सर प्रॉफिट का देखिए देखिए मैं ओपन ऐसे नहीं कहना चाहूंगा मैं भी लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ या दस लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ बट हाँ एक अच्छा अमाउंट यहाँ से वर्मी कंपोस्ट से आदमी लेके जाएगा अगर थोड़ा सा फोकस करके और अच्छी मार्केट करके अगर बाजार में आप सेल करते हो बिकॉज तो. आपको पता है फ्यूचर इसका देखिए टाइम डिमांड बढ़ेगी ही हंड्रेड श्योर की टाइम के हिसाब से डिमांड बढ़ेगी कम नहीं होने जी जी बिल्कुल अच्छा दूसरा सर ये भी देखा गया कि यूनिटे कुछ यूनिट बंद भी हो जाती हैं मार्केटिंग की वजह से अभाव में या नॉलेज की वजह से या आप कह लीजिए कि फंड की वजह से हाँ तो क्या रीज़न क्या है सर तो देखिए मैं इसमें बंद होने का एक ही रीज़न मानता हूं कि आप अनप्लान्ड वे में अगर आप चलोगे प्री प्लान्ड वे में नहीं चलोगे आपकी आपकी यूनिट जो आप लगा रहे हो अभी पहले तो ये फोकस चलिएगा कि आपके पास कम से कम 50 बैग 100 बैग भी अगर आपके पास स्टॉक में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी जब जैसे ही देखिए फसल वाला टाइम जब आता है किसानों का तो वो लोग जब मांगते हैं कई बार ऐसा भी होगा डिमांड आपसे पूरी नहीं हो पाएगी बट उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा मार्केट पर फोकस करना होगा और थोड़ा बैकअप भी लेकर चलना पड़ेगा अगर आप सोचें कि चार बैग मेरे

तो किसानों के पास इसकी बहुत अच्छी खपत है बहुत अच्छा एरिया है उनके पास खपा मतलब ये माल ले लेने के लिए फसल के हिसाब से आप चाहे गन्ने की फसल हो या आलू की फसल हो जैसे जैसे अभी अब जो टाइम आने वाला है हमारे यहाँ लेटा बोलते हैं लाया बोलते हैं उसकी फसल आने वाली उसमें भी काफ़ी लोग लगाएंगे बट आप उससे सही अप्रोच के साथ पॉजिटिव अप्रोच के साथ पिच करो और वो लोग लेंगे और लेने के बाद में आप ये मान के चलिएगा कि सेटिसफाई होना शुरू होंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई इस चीज़ ये चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है करने में और चीज़ ये बढ़िया जा रही है आपकी खाद किस रेट का दे रहे हैं सर सर खाद का रेट देखिए लेके अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में जाएंगे दस किलो वाली पैकिंग में तो वो तीस रुपये किलो तक भी है ठीक है और अगर आप बड़ी पैकिंग में मेरी जाएंगे तो आप लगभग तीन सौ से लेकर साढ़े तीन सौ रुपये के बीच में बैग है मेरा जो पैंतालीस किलो का है फोर्टी और अर्थवॉम किस रेट का दे रहे हैं सर अर्थवॉम सर देखिए मैं पहले डेढ़ सौ किलो का वैसे अर्थवॉम का रेट है इसका जो थोड़ा सा खाद इसमें डालना लगाना पड़ता है क्योंकि वो बगैर खाद के तो सर वो रहेंगे नहीं तो लग, लेकिन अगर किसी को होलसेल में या जैसे ज़्यादा चीज होते हैं तो वो थोड़ा सा रेट में ऊपर नीचे कुछ हो जाता है आपका देखें जीरो मैथर्ड है सर मतलब आपने जो है ईटे यहाँ पे लगाई हैं साथ में पुराल ऊपर से डाली हुई है हाँ जी हाँ जी हाँ पुराल भी है सर कुछ जगह केले के पत्ते भी यूज़ करें जैसे पुराल आपके पास अगर नहीं है तो आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करके आप केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है वो भी पूरा एज इट इज़ बढ़िया रिजल्ट देते हैं क्योंकि पुराल की पुराल भी एक तरह से गलती शुरू हो जाती है तो आपको और ऑप्शन लेके चलने पड़ते हैं अच्छा अगर सर एक की बात करें तो खर्चा बताइए देखिए सर अप्रोक्स तीस फीट का अगर आप लेके चलेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से उसमें डिपेंड करता है कि आप उसको थोड़ा सा पानी भी ज्यादा होता है मॉइस्चर लेवल काफी होता है उसके अंदर तो तीस फीट के बेड में आप लेके चलेगा कि तीस कुंटल से थोड़ा कम खाद आ जाएगा और लगभग मेरे हिसाब से मोटा मोटा अगर खर्चे की बात करूँ ई ईंटों का भी पन्नी का भी और लेबर का जो इसको थोड़ा सा लेबर उसको बनाती है शेप में सबका लगाया जाए तो लगभग चार हज़ार से लेकर साढ़े चार हज़ार रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है और बाकी बिकने की अगर बात है वो मेरे हिसाब से लेके आप पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ क्या रेट सेल हो रहा है साढ़े छः हज़ार से लेकर साढ़े सात हज़ार तक आराम से आप सेल कर सकते हो उसका माल जो आप इन्हें एक बेड से निकाला है और छनाई करके आपके पास जो आया क्योंकि इसमें काफी तो उसमें कूड़ा वगैरह निकल जाता है जो कि छन्ने में आता है बेसिकली तो आपके पास इतना सेल हो जाएगा आपको मतलब साढ़े चार लगा के साढ़े सात तक आप ले सकते तीन हजार रुपए एक बेड से हाँ ले सकते हो मतलब थोड़ा आपको मैनेजमेंट सब कुछ होगा थोड़ा इशू आएगा कम ऊपर नीचे हो सकता है बट आज जब एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा हाँ तो बचा लेंगे हो जाएगा तो सर हमारे युवा साथियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो उस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं देखिए फोकस करके प्लान वे में प्री प्लान वे में आप काम करिएगा मेरा ये कि मैसेज है जो अभी नए लोग आने वाले हैं इस लाइन में और थोड़ा सा लंबे प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको देखिएगा लंबे चलाने के हिसाब से एक बिजनेस आइडिया कि लंबा थोड़ा मुझे चलना है थोड़े टाइम में अगर आप देखेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे इस लाइन में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए क्या करेंगे आपकी बैग हो गया सेल नहीं हो पाया कि यार माल नहीं पिता ऐसा नहीं है लोग लेने के लिए तैयार हैं आप उन्हें जैविक खाद एक ऐसी चीज़ है जो पेस्टिसाइड की दुकान पर लोग दे रहे हैं और एक केमिकल लगा के दे रहे हैं हम एक प्योर वर्मी कंपोस्ट जो ये मिल रहा है जैविक खाद प्योर वर्मी कंपोस्ट ये प्योर जैविक खाद ये होता है आप उधर का लेके चलेंगे पेरिसाइड की जो फर्टिलाइजर वो लोग वो लोग सेल लो कर रहे हैं तो वो प्योर जैविक खाद नहीं है वो भले ही आप कुछ भी करके सेल कर रहे हैं क्योंकि ये तो पता है कि गोबर से बन रहा है सर ये तो उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर युवा लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट लेके जाएंगे और एक खुद का यह कहता है कि मेरा खुद का बिजनेस है मैं खुद का बिजनेस रन करता हूं और आने वाले टाइम में सर ऐसा नहीं है इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका एक्सपोर्ट है अगर आप इसको प्लान वे में करते हैं विद सारे जो पेपर वर्क है सारा पूरी लेकर चलते हैं तो और कंट्री में भी इसकी आप सप्लाई कर सकते हैं बट वो आपका फोकस होना चाहिए वो प्लान होना चाहिए आपका उस प्लान के साथ चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है अच्छा चीज है मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा हाँ। लेके चले टाइम को, हाँ, टाइम दो को। साल साल तो लेके चले हाँ देखिए टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ऐसा नहीं है कि आपने एक माल बना दिया कि जी लोगों की लाइन लग रही लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं है आपको लोगों को बताना पड़ेगा जिन लोगों को जानकारी है वो ले रहे एरिया को कवर करना पड़ेगा फार्मर को संतुष्ट करना पड़ेगा धीरे फिर आपका बढ़ता जाएगा हाँ आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि ये जो लगाना है इसी तरह से लगाना है वो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ऐसा नहीं है आपने गलत वे में अगर किसान को दे दिया बता दिया कि इस तरह से लगता है और वो रिजल्ट नहीं आएंगे तो थोड़ा सा नहीं। किसान ही चलेगा। आपको पता जरूर लेगा आपसे तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी काफी अच्छी लगी ऐसे पढ़े लिखे युवा अगर खेती बाड़ी में आते हैं इससे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो नेचर है उसके लिए काम करते हैं साथ में आपके जो खाने का आहार है उसके भी गुणवत्ता बढ़ाते हैं तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म और नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय यू